फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यह नेम्ड रिएक्शन है फिनाल बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यह नेम्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इंटरमीडिएट में भी फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड में। फिनाल चैप्टर इंटरमीडिएट में भी है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है आपको फिनाल। तो फिनाल में फ्रिस रीअरेंजमेंट है, ये आप रिएक्शन ध्यान समझिए। या फेनिल एसीटेट मैं बना रहा हूँ या आप बेंजीन देख रहे हो और इस पर एसीटेट ग्रुप सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री फेनिल एसीटेट इसी बोलते हैं एसीटेट ग्रुप आपने जोड़ दिया या फेनिल एसीटेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फेनिल एसीटेट। ओके, फेनिल एसीटेट को आपको करना क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में गर्म करना है, हीट करना है। चलिए, किसके प्रेजेंस में जी? एल्यूमिनियम AlCl3 की एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट जैसे ही आप करोगे तो होगा क्या? एसिल ग्रुप इसका जो है फेनिल एसीटेट का एसिल ग्रुप यहां पे OH हो जाता है। और जो एसिल ग्रुप किसे कहते हैं? CH3C OH को एसिल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? यानी CH3CO को हम क्या बोलते हैं? एसिल ग्रुप। यह एसिल ग्रुप माइग्रेट करके आर्थो या पैरा पोजिशन पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन। तो इस बेंजीन के आर्थो पोजिशन पर आ जाएगा आपका CCH3 या फिर आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3COCH3। ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये एसिल ग्रुप है OH। क्लियर है? अब इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट। ध्यान से सुनिए और लिखना क्या है। वेन जो इस पे दिख रहा है वही लिखेंगे आप, ध्यान से सुन लीजिए। हमने किया क्या? फेनिल एसीटेट को लिया और AlCl3 के प्रेजेंस में इसको गर्म किया और आपका बन गया फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं ना इसको, फेनिल कीटोन, क्योंकि फेनिल ग्रुप्स के साथ कीटोन ग्रुप भी जुड़ चुका है। या आप इसको बोल सकते हो आर्थो पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, आर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मेथिल कीटोन, आर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल बोलेंगे, फेनिल मेथिल कीटोन, ये मेथिल कीटोन बोला जा सकता है। या फिर इसको आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन भी बोल सकते हैं, एसीटो ग्रुप, एसिल ग्रुप को एसीटोफिनोन बोल सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे आर्थो आप बोले तो वहाँ पे क्या बोलोगे? पैरा। वहाँ पे पैरा बोलेंगे, वहाँ पे आर्थ, यहाँ पे पैरा हो जाएगा, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर? यानी ये फेनिल एसीटेट को आपने AlCl3 के प्रेजेंस में गर्म किया तो एसिल ग्रुप माइग्रेट करके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आ गया और जो प्रोडक्ट आपका बना वो आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन कहा जाएगा, या फिर बोल सकते हो आर्थो
हाइड्रोक्सी फेनिल मेथिल कीटोन, क्लियर। अब आप लिखो क्या, मैं बता दे रहा हूँ ध्यान से समझिए। अब जो लिखने वाला टर्म होता है पहले से लिखते हैं, या हम लिख रहे हैं वेन, किसको गर्म किया जा रहा है, किसे कहते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट, डेफिनेशन आप लिख लो। फेन फेनिल, ये फेनिल एसिटेट है, फेनिल जो दिख रहा है वो लिख जाओ, यही तो है साइंस। वेन फेनिल एसिटेट हीटेड विथ, किसके साथ हीट हुआ जी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, हीट अंडर गोस ए रीअरेंजमेंट, कॉल्ड फ्रिस रीअरेंजमेंट, ओके, इसे फ्रिस रीअरेंजमेंट कहेंगे। अब फ्रिस रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि एसिल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, इसमें एसिल ग्रुप टेंड टू माइग्रेट, आगे आप लिख सकते हो द एसिल ग्रुप, नीचे ही लिख दे रहे हैं, द एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप क्या है भाई आपका, COCH3, यही एसिल ग्रुप है, टेंड टू माइग्रेट एट पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ओ फॉर ऑर्थो, पी फॉर पैरा पोजीशन, क्लियर है, यानी यह ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाता है, ठीक है, ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस टू गिव एरोफिनोलिक कीटोन्स, क्या बनाता है, ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस टू गिव फिनोलिक कीटोन, ओके, फिनोलिक कीटोन बन गया भाई, ने कीटोन बना है ना, देखो कीटोन है, ये कीटोन है, मतलब C डबल बॉन्ड O, और इधर अगर कार्बन के कोई भी ग्रुप रहेंगे तो इसको कीटोन बोलते हैं, ऐसा ही तो बना है वहाँ, इसलिए इसको फिनाल के साथ कीटोन जुड़ा, तो इसलिए इसको फिनालिक कीटोन भी बोला जा सकता है, क्लियर है। तो इतना ही आप लिखोगे और आपका फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, समझ पा रहे हो लोग, यानी फिर से समझ लीजिए, फेनिल एसिटेट को हम एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो एसिल ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाता है, आर्थो या पैरा पोजिशन पे, मीन्स हम कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाता है, एसिटोफिनोन, क्लियर है, या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है, एक ज़्यादा होता है एक, यानी यह मेजर प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट, लेकिन बनते दोनों हैं जी। तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, क्लियर, इतना सब लोग जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, हम फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं।
मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हम मैकेनिज्म दो तरीके से होती है, कितने तरीके से, इसकी फ्रिस रीअरेंजमेंट की, किसकी मैकेनिज्म, फ्रिस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म दो तरीके से होती है। द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग टू वेज, दो तरीके से होती है, ठीक है। फर्स्ट वे है इंटरमॉलिक्यूलर स्टेप, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर होता है, और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर जान लेते हैं पहला, फर्स्ट वाला जो है इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक है। हम फ्रिस रीअरेंजमेंट की इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे क्या होता है, ओके। पहला तरीका है इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में हम फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं, चाहे एक ही में हम सारा स्टेप मैकेनिज्म दिखा दे रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में होता क्या है कि सबसे पहले हम लिए क्या थे रिएक्शन में, याद करिए हमारे रिएक्शन में क्या था, फेनिल एसीटेट। तो हमारा यहाँ पे फेनिल एसीटेट तो रहेगा जी, देखिए फेनिल एसीटेट सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यही था फेनिल एसीटेट। अब इस फेनिल एसीटेट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अब फेनिल एसीटेट पे हम अटैक कराएंगे ए एल सी एल थ्री का, ए एल सी एल थ्री जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, या एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसके यह दो इलेक्ट्रॉन अपना देगा और एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा जी, यह जो बनेगा ओ के साथ ए एल भी जुड़ गया है, इस पर जो बॉन्ड, ये देखिए एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसने ऑक्सीजन ने दिया तो इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए यह यहाँ पे सी एल थ्री तो रहेगा जी। अब अगला स्टेप में हुआ क्या कि एसीलियम केटायन निकल जाएगा इसमें से। एसीलियम केटायन कहने का मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। तो यहाँ यह निकला हुआ है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और इसे प्लस हो जाएगा, अपना ये बॉन्ड खो रहा है, प्लस हो जाएगा, यहाँ निकला, चलिए ये आपका बन गया, ये हो गया ए एल सी एल थ्री। अब यही एसीलियम
कैटायन, ये एसीलियम कैटायन बोला जाएगा, एसीलियम, एसीलियम कैटायन। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, सभी लोग जानते हैं, हर जगह होता है, मैं इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो एसीलियम कैटायन इस पर प्लस है, तो यह इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और यह प्लस आएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, देखिए हाइड्रोजन तो जुड़ा है, इधर आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री जुड़ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे जुड़ सकता है या फिर यहाँ पे, ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकता है, आप दो बार भी कर सकते हो, इधर इसको इधर भी ऐसे कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे हो जाएगा वही प्रक्रम, चाहे उसी को समझिए, समझिए उसी को, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। अब अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ रीअरेंजमेंट, इस Cl2 और Cl मैं कर दे रहा हूँ, तो होगा क्या, तीनों क्लोरीन इस एल्युमिनियम से जुड़े हैं, आपको अलग अलग दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए, ये तीनों एल्युमिनियम ऐसे ही जुड़े हैं क्लोरीन से, तो एक ठो एल्युमिनियम यहाँ बॉन्ड लेकर निकलेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर निकलेगा और यह बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाता है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड आ गया और यहाँ पे भी, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हो गया, यहाँ पे आपका बचा है ऑक्सीजन और इसके साथ एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से दो क्लोरीन Cl2, ठीक है, एल्युमिनियम अपना बॉन्ड खो रहा है तो इस पर प्लस आ जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3 और निकला क्या जी, माइनस HCl, HCl निकल जाएगा। आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है, क्या करें, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे यह बॉन्ड टूटेगा, इधर H आएगा, इधर OH माइनस आएगा, ठीक है, उधर OH माइनस, तो आपका ये हो जाएगा OH और यहाँ पे C डबल O सी एस थ्री, यही था आपका, बन गया आर्थो फेनिल एसीटो आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है, यही आपका था आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना था जो पहले बना था, और प्लस में निकले क्या, देखिए एल ओ एच सी एल टू, ये एल ओ एच सी एल टू ये निकल जाएगा, तो इससे मतलब नहीं, हमारा ये मेन प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर वही काम यहाँ के बजाय पैरा पे आप करते तो सारा का सारा पैरा पे हो जाता है। यह थी मैकेनिज्म, इंटर मालिकुलर मैकेनिज्म, किसकी मैकेनिज्म थी, हमारे फ्रिस रीअरेंजमेंट, किसकी मैकेनिज्म भाई, फ्रिस रीअरेंजमेंट, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ यह रीअरेंजमेंट है, दिस इज द रीअरेंजमेंट, ये हो रहा मेरा रीअरेंजमेंट, क्लियर है, फ्रिस रीअरेंजमेंट या फ्रिस रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है, किसके लिए, इंटर मालिकुलर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब मैं इंट्रा मालिकुलर इसकी बता, दूसरा तरीका मैकेनिज्म का, दो वे बोले ना,
द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग टू वेज। तो एक तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका आप देखिए मेरा दे अच्छे से समझिए, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिए। अब हम सेकेंड वे, दूसरा तरीका जानेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, इंट्रा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या कहती है भाई, यहां पे हमारा वही स्टेप जो शुरू में हमने लिया था, एसिटोफिनोन ले, फेनिल एसिटेट हम लेंगे, फेनिल एसिटेट यानी ओ सी एस सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये हो गया फेनिल एसिटेट, ठीक है वही। अब इससे आएगा एल्युमिनियम, अटैक होगा एल्युमिनियम का, तो यह इससे जुड़ेगा और फिर बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये है और इसे जुड़ गया एल और इसे तीन ठो क्लोरीन जुड़े हैं जी, सी एल सी एल और सी एल, ठीक है। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ऑक्सीजन में प्लस हो जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, ये है बेंजीन के बॉन्ड है रिंग में। अब हो क्या रहा है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, अब यहाँ रीअरेंजमेंट कराना है मेरे को, क्या कराना है, यह बन गया तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो यह बॉन्ड यहाँ आएगा थ्री, यह आपका फेनिल एसिटेट है, फेनिल एसिटेट पे अटैक करा एल सी एल थ्री, तो यहाँ ऐसे बना। आप समझ पा रहे हो कि ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, और इसने लिया तो इस पे माइनस आएगा और ये एल सी एल थ्री है। अब यहाँ पे होगा क्या कि यह बॉन्ड यहाँ आएगा और यह कार्बन इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वाले बॉन्ड के साथ, तो बनेगा कैसा जी, देखिए अगला स्टेप में, यहां पे आपका हो गया डबल बॉन्ड, होगा ना, ये बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड होगा ही, ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ तीन क्लोरीन, ठीक है, और यह हाइड्रोजन और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब हो क्या रहा है, अगला स्टेप ध्यान से देखिए, यह क्लोरीन बॉन्ड लेकर निकलेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर निकलेगा, और यह बॉन्ड जब इस पे आएगा तो यह ऑक्सीजन पे जाएगा, क्लियर। देखिए यही रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो अब आगे बन जाएगा, इसमें से HCl निकल जाएगा और आपका बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे यह गया तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर और माइनस चार्ज भी आएंगे इससे, एल्युमिनियम जुड़ा है, एल्युमिनियम पे प्लस, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड खो रहा है और दो सी एल। और यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री हो गया है। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
अगला स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस, जैसे पहले वाले में कराए थे सेम वैसे ही बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे मतलब H2O यहाँ पे आएगा तो इधर OH माइनस और इधर H प्लस आएगा तो आपका बन जाएगा H हो जाएगा और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, क्लियर। और जो एल्युमिनियम के साथ AlOH Cl2, ठीक है। तो ये आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई, किसकी, फ्रिस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म। मैंने फ्रिस रीअरेंजमेंट में आज अभी पढ़ा कि जब फेनिल एसीटेट को एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है तो आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। अब उसका मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, दोनों मैकेनिज्म हमने देखी। अगर किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और आगे भी आपको इस एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।